Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 8 of unit number 2. So in the previous lecture, hum logon ne baat ki thi system representation using differential equation. Ji haan, agar differential equation given hai, to kis tarah se hum us differential equation se natural response, force response ko calculate karte hain. Now, in this lecture, जैसे कि मैंने आपको last lecture में बोला था, इस lecture में भी हम इसी topic पे बात करने वाले हैं, that is system representation using differential equation. तो differential equation का question लेके चलेंगे, उसका एक solution लेके आएंगे, and that is nothing but the total response of this differential equation. तो चलिए, अपना lecture start करते हैं on this particular topic, that is system representation using differential equation. So एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहां पे लेके चल रहा हूं. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द नेचुरल रिस्पांस, कैलकुलेट द फोर्स रिस्पांस. इट विल बी डायरेक्टली सेड टू यू दैट यूजिंग द क्लासिकल मेथड और सिंपली सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन इफ द इनिशियल कंडीशंस आर दिस एंड द इनपुट इज दिस, राइट. सो एक सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको उसका सॉल्यूशन करना है एंड व्हेन आर द इनिशियल कंडीशंस गिवन है और जब आपके पास इनपुट गिवन है. तो नो मैटर कि आपको क्वेश्चन किस तरह से सब्जेक्टिवली चेंज किया जा रहा है, बट जो सॉल्यूशन है वो उसी पैटर्न पे जाएंगे. यानी कि हम पहले नेचुरल रिस्पांस निकालेंगे बाय कंसीडरिंग द इनिशियल कंडीशन ओनली, पुटिंग द इनपुट जीरो, देन वी विल कैलकुलेट द फोर्स रिस्पांस जहां पे हम इनपुट को कंसीडर करते हैं, इनिशियल कंडीशन को कंसीडर नहीं करते, एंड देन वी विल फाइंड द टोटल रिस्पांस दैट इज नेचुरल प्लस फोर्स रिस्पांस, राइट. सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेम उसी वे में सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूं नेचुरल रिस्पांस. तो जी हमने नेचुरल रिस्पांस के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी, इनपुट यानी कि एक्स टी इज इक्वल टू जीरो. तो अगर एक्स जीरो है तो क्वेश्चन में आपको dxt भी गिवन है, दिस इज आल्सो जीरो, राइट. अब अगर ये दो वैल्यू यहां पे इक्वेशन में जीरो हो जाएंगी तो व्हाट इज दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस इक्वेशन बिकम्स d2yt / dt2 + 4yt dyt / dt + yt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो गया हमारा जीरो, राइट. + 4yt इज इक्वल टू जीरो, राइट. और इस इक्वेशन को हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था. जी हाँ, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके रूट्स मुझे कैलकुलेट करने थे. सो रूट्स मैंने कैसे कैलकुलेट करने बताए थे, वी विल कन्वर्ट इनटू सीई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जहां पे ये टर्म रिप्रेजेंट करती है लैम्डा स्क्वायर, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है लैम्डा और ये टर्म रिप्रेजेंट करती है फोर इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो यहां पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसके रूट्स मैंने आपको बोला था कि आप कैलकुलेट तो कैसे भी कर सकते हो, बट बेटर ये होगा कि आप लोग यहां पे कैलकुलेटर चलाना सीखिए, कैलकुलेटर के थ्रू रूट्स कैलकुलेट कीजिए. सो इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस बिकम्स लैम्डा प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स व्हाट आर द इट्स टाइम रूट्स, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस टू. तो यहां पे दोनों ही रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं. सो इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था थ्री डिफरेंट कंडीशन कि आपके रूट डिस्टिंक्ट हैं तो आपको क्या सॉल्यूशन लेके चलना है, इफ द रूट्स आर सिमिलर देन क्या सॉल्यूशन लेना है, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देन क्या सॉल्यूशन लेना है. तो दिस टाइम वी लाइन द विच कैटेगरी, जी हां, दिस टाइम वी आर इन दिस सेकेंड कैटेगरी, द रूट्स आर सिमिलर, राइट. और जब मेरे पास दो रूट सिमिलर हैं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, सी वन प्लस सी टू टी ए टू द पावर लैम्डा वन टी. दैट मींस व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू, लैम्डा वन लैम्डा टू कितना है, माइनस टू है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन व्हाट इज द रिजल्ट, सी वन प्लस सी टू टी ए टू द पावर माइनस टू टी, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द नेचुरल रिस्पॉन्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए हम होमोजीनियस सॉल्यूशन लेके आते हैं. दिस होमोजीनियस सॉल्यूशन इज पुटेड बाय दिस वैल्यू वाई एच टी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टी ई टू द पावर माइनस टू टी, राइट. अब क्या कैलकुलेट करना है, अब नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे आएगा फ्रॉम दिस होमोजीनियस सॉल्यूशन. होमोजीनियस सॉल्यूशन से नेचुरल रिस्पॉन्स लाने के लिए वी विल कैलकुलेट द टू इक्वेशंस, जहां पे हम एक बार इस टी को जीरो पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी वन, राइट. और C2 में जैसे ही आप T को जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, एन ई टू द पावर माइनस टू टी बिकम्स दैट इज व्हाट अगेन वन. सो दैट मींस Y0 इज इक्वल टू C1. नाउ व्हाट इज द दिस वैल्यू Y0, Y0 हमें इक्वेशन में गिवन था कि Y0 प्लस की वैल्यू है 9/4 एंड dy0 वाई जीरो प्लस बाई डी टी की वैल्यू 5, राइट. सो मैं इन दोनों वैल्यू को यहां पे भी लिख लेता हूं कि y0 प्लस की वैल्यू है हमारे पास 9/4 एंड dy0 प्लस बाई डी टी की वैल्यू है दैट इज 5/4, राइट. सो अब y0 की इक्वेशन मिल चुकी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा dy by dt. जी हां, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, c1 into e to the power minus 2t plus ये पहले वैल्यू बन जाएगी क्या, c1 e to the power minus 2t plus
टी इंटू सी टू इंटू ई टू पावर माइनस टू टी। तो सी वन ई टू पावर माइनस टू टी का डिफरेंशिएशन तो सिंपल है कि माइनस ऑफ टू सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, बट इस डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बाईपार्ट्स लगेगा बिकॉज सी टू इज कॉन्स्टेंट, बट एक बार टी आपका कॉन्स्टेंट होगा ई टू पावर माइनस टू टी का ई टू पावर माइनस टू टी माइनस टू, और एक बार आपका टी का हो जाएगा वन और ई की पावर माइनस टू टी इज अ कॉन्स्टेंट, राइट। उसके बाद मैं इसमें t इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो वंस आई पुट t इज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन बिकम्स, दिस बिकम माइनस ऑफ टू सी वन, राइट, बिकॉज ई टू पावर जीरो, दिस बिकम व्हाट सी टू अपनी जगह पे एज इट इज है, t कंपोनेंट में जैसे ही जीरो पुट किया ये वैल्यू खत्म हो गई, यहां पे t पुट किया जीरो तो ये वैल्यू बची वन, यानी कि आंसर क्या बचा, दिस डी वाई जीरो डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू सी वन प्लस सी टू, राइट। अब C1 की इक्वेशन है हमारे पास, C2 यानी सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास है, y0 प्लस की इक्वेशन आ गई, y dy0 प्लस की इक्वेशन आ गई, दिस इज द 5 इज इक्वल टू माइनस टू सी वन प्लस सी टू। तो C1 ऑलरेडी गिवन था, y0 प्लस इज इक्वल टू 9 बाई 4 एंड dy t0 प्लस इज इक्वल टू 5, राइट, ये क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ C1, दैट इज 9 बाई 4, एंड इफ आई पुट 9 बाई 4 ओवर हियर देन वी कैलकुलेट द C2 वैल्यू, एंड वंस वी गॉट द C1 C2 वैल्यू देन हम इस नेचुरल रिस्पॉन्स को लिख देते हैं, y n t इज इक्वल टू 9 बाई 4 प्लस 19 बाई 2 t e टू द पावर माइनस 2 t, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। यही चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखी थी, सेम काम मैंने यहां किया, बट अब की बार मैंने यहां पे होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन चूज किया, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर दिस वे कि हम किस तरह से इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यूजिंग द क्लासिकल मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन। सो हमने एक रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लिया, वी आर कंसीडरिंग द इनिशियल कंडीशन, इनपुट को हमने जीरो करते हुए रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस इज नेचुरल रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जी हाँ, फोर्स रिस्पॉन्स। और फोर्स रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करते थे, फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते थे बाय द फॉर्मुला, फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, right? Now homogeneous solution we have already derived, that is C1 plus C2T e to the power minus 2T, but what is the particular solution? So particular solution ke liye, if you remember last lecture mein maine bola tha, there is a table jahan pe input ki type ke base pe aap particular solution ki value choose karte hain, right? Now what is that input type over here? To agar question mein dekhe to question mein input kaisi category hai, e to the power minus 3T UT, yani e to the power minus 3T एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है ना, सो ई टू द पावर माइनस थ्री टी लाइज अंडर दिस कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो लैम्डा आई के इक्वल नहीं है, बिकॉज व्हाट इज अवर लैम्डा, लैम्डा है हमारे पास माइनस टू, और जबकि यहाँ पे ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है माइनस थ्री, सो आई विल कंसिडर दिस कैटेगरी दैट इज कॉन्स्टेंट ई टू द पावर माइनस थ्री टी, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, वाई पी टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस थ्री टी, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वट, नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ के, सो दैट मैं अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूरी तरह से कैलकुलेट कर पाऊँ। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी गिवन इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने इस वाई टी की जगह क्या पुट किया था, दिस इज वाई पी टी, राइट। तो अगर इस इक्वेशन में y की जगह yp पुट कर दें और इनपुट xtm में गिवन है डैट इज e टू पावर -3t ut, इसको भी पुट कर देंगे, सो व्हाट द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन बिकम्स d स्क्वायर yp / dt स्क्वायर + 4dy p / dt + 4yp इज इक्वल टू dxt / xt, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yp, सो yp की वैल्यू है हमारे पास yp इज इक्वल टू k e टू द पावर -3t, राइट। तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, से रखना k e टू द पावर माइनस 3t को मैंने पहले ypt की जगह रखा, उसके बाद यहां पे मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 4 इज ए कांस्टेंट, अब k e टू द पावर माइनस 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ 3 k e टू द पावर माइनस 3t आ जाएगा, राइट। और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा क्या, 9 k e टू द पावर माइनस 3t, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, राइट। सो मेरा वे यही होता है कि पहले yp को पुट किया, फिर उसका डिफरेंशिएशन dy / dt बन गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो d स्क्वायर yp / dt बन गया, राइट। और राइट हैंड साइड पे इसी तरह से d / dt x ऑफ t है, तो वी नो दैट x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर -3t, तो जस्ट e टू द पावर -3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 e टू द पावर -3t + ऑफ xt यानी + e की पावर -3t, राइट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप देखें e की पावर माइनस थ्री टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री टी माइनस थ्री टी, सभी एक्सपोनेंशियल टर्म्स है माइनस थ्री टी, तो आपके एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाएंगे, यहां जो बचेगा डैट इज योर 9k, यहां जो बचेगा डैट इज योर माइनस 12k, यहां जो बचेगा डैट इज 4k इज इक्वल टू वट, यहां जो बचा डैट इज माइनस ऑफ 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बिकम्स, के बिकम्स यहां से अगर आप k को सॉल्व कर रहे हैं तो k इज इक्वल टू माइनस 2, बिकॉज इट इज 13k माइनस 12k इज इक्वल टू माइनस 2, सो k की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाती है माइनस ऑफ 2।
2. And once we calculate the value of k, then what is the particular solution value? Ji haan, ypt ki value ho jayegi k e to the power minus 3t, that is minus of 2 e to the power minus 3t. This is the value of particular solution. So hum calculate kar rahe the force response, jisme pehla part hota hai particular solution calculate karna. Particular solution humne calculate kar liya hai. So now I can calculate the force response by the formula. Force response is equal to homogeneous solution plus the particular solution. So homogeneous solution we have, now we have particular solution. So this is my force response equation. अब इसमें मुझे कैलकुलेट करनी है ये दो कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू क्या आएगी. तो सेम काम हमने करना है, क्या एक बार t को 0 पुट कर दिया तो आई गॉट द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? y0 प्लस, राइट. तो जब मैं y0 प्लस यहां पुट करूंगा, t को 0 पुट किया तो ये बन जाएगा c1 e टू पावर 0 माइनस 2. सो दिस इक्वेशन सेज y0 इज इक्वल टू c1 माइनस 2. सिमिलरली आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया था, माइनस ऑफ 2 c1 e टू पावर माइनस 2t, ये वाला फैक्टर बाय पार्ट्स इंटीग्रेट होगा. तो c2 को कॉमन रख के पहले t का हो गया 1, उसके बाद t को कांस्टेंट रखा, e टू पावर माइनस 2t का हो गया माइनस 2 e टू पावर माइनस 2t, राइट. एंड देन माइनस 2 e टू पावर माइनस 3t का डिफरेंशिएशन, दैट इज प्लस 6 e टू पावर माइनस 3t. तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, इसकी वैल्यू मुझे एट t इज इक्वल टू 0 चाहिए. तो जैसे ही मैं यहां t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ये टर्म आपकी कैंसिल होने वाली है. t टू पावर 0 ने का मतलब माइनस 2 c1 बच गया, t टू पावर 0 ने का मतलब c2 बच गया, और t टू पावर t की वैल्यू 0 होने का मतलब यहां पे 6 बच गया, राइट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोगों ने ये दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती हैं. वन इज वाई एट जीरो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, एंड वन इज डिफरेंशिएटिंग ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू जीरो. अब क्योंकि हम यहां पे फोर्स रिस्पांस कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स रिस्पांस, राइट. सो फोर्स रिस्पांस के लिए क्या कंडीशन होती है? इनिशियल कंडीशंस आर नेग्लेक्टेड, यानी इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, राइट. सो दैट मींस इस y0 प्लस को क्या रखूंगा? 0. तो यहां पे इक्वेशन हो जाएगी 0 = c1 - 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 बिकम्स? c1 बिकम्स 2. और सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को आप 0 पुट करेंगे तो 0 = - ऑफ 2 c1 + c2 + 6. तो यहां से आपका c1 ऑलरेडी 2 है, तो दिस बिकम -4 - 4 + 6, दैट इज + 2. तो c2 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी - ऑफ 2. Right? So we have calculated C1, we have calculated C2. Just put these value into this force equation value. So force response hamara calculate hoke aa jayega. That is 2 minus 2t e to the power minus 2t minus 2 e to the power minus 3t. Right? So we have calculated force response, we have calculated natural response. Ab agar aapko question bola gaya tha, you have to solve the particular given equation. To solve karne ka matlab hai, we have to find out the total response. Yeah, what is the value of yt over here? That is natural response plus force response. So we have already calculated this natural response, we have already calculated this force response. Now we are adding these two values and get the result. That is the solution of the given equation. So I hope after listening this lecture, अब आपको confidence develop हो गया होगा कि किस तरह से आपको इस type की category के question को solve करना है. If you have given a differential equation, तो किस तरह से मुझे classical method या आप इसे कह सकते हैं direct method के through कैसे आप इस equation को solve करके response को calculate कर रहे हैं. Right? So after this differential equation part is over, now in the similar way अब हम बात करेंगे अपने discrete time system की in the upcoming lecture. तो discrete time system को represent किया था difference equation से. So वहां हम यही same चीज देखेंगे, तरीका यही रहेगा, but the question will be in discrete time domain और question को हम बोलेंगे difference equation. So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं next lecture में. Thank you.